किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा करना बहुत आसान। ट्रांसफॉर्म हैंडल एक्टिव कर लें या ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हैं। तो इसके किसी भी पॉइंट से पकड़ कर खींचना शुरू कर दें, वो आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। वो शिफ्ट की होल्ड करके यूनिफॉर्म इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। जिस साइज इसकी हाइट चेंज होगी उसी से इसकी विड्थ भी उसी हिसाब से चेंज होगी। अब पैनल्स में इसको बाज़ाब्ता तरीके से हम इसकी स्केलिंग करते हैं। इसको 200% यानी कि डबल, वापस लाने के लिए 100% नहीं बल्कि 50% लिखेंगे तो अपनी असली हालत में आधा आएगा। ये पुराने और छोटा हो गया। अब इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये यूनिफॉर्म पे कटिंग खत्म करके ये इसके अजीब अजीब साइज बनते जा रहे हैं। कंट्रोल जी से सबको अंडू किया और अब इसके सिर्फ कंटेंट्स को बड़ा नहीं करना, इसके कंटेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका चेक हमने ख़त्म कर दिया कंटेंट्स का। अब देखें सिर्फ जो हमारा बॉक्स है वही छोटा बड़ा हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना बहुत आसान है। डबल क्लिक करेंगे तो उसके हैंडल एक्टिव हो जाएंगे। इन ट्रांसफॉर्म हैंडल की मदद से आप रोटेट कर सकते हैं। इसका सेंटर पॉइंट है जिसके अगर ये रोटेट हो रहा है, सेंटर पॉइंट को चेंज कर दिया। अब ये देखें इसके अगर ये गुड़िया रोटेट हो रही है। हम इसको लिख के भी रोटेट कर सकते हैं कि 45 डिग्री रोटेशन चाहिए, 60 डिग्री चाहिए। अब मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करता हूँ। ये देखिए 45 डिग्री रोटेट हो रही है। सेंटर पॉइंट चेंज करके हमने इसको रोटेट करना शुरू किया। इसे भी 45 डिग्री रोटेट किया लेकिन इसके सेंटर चेंज कर दिए हमने। सेंटर पॉइंट को हमने 30-30 दे दी वैल्यूज की और उसकी कॉपी भी बना देते हैं। देखिए अजीब सी शक्ल बन गई। ये क्या बन गया मुझे भी समझ नहीं आया लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ बनी थी, ये कैसे बनी थी। इसका भी सेंटर चेंज कर देते हैं और इसकी भी हमने कॉपियां बनाई। स्केल करने के लिए डबल क्लिक करके इसके हैंडल एक्टिव कर लें और हैंडल्स की लाइन पकड़ के आप ड्रैग करें तो आपकी मर्जी के मुताबिक स्केलिंग होगी। ये 3D रोटेशन नहीं है, 3D रोटेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये स्केलिंग है और आप इसको बजाते तरीके से भी कर सकते हैं। इसको 20 डिग्री स्क्यू करते हैं। आप इसकी कॉपीज भी बना सकते हैं। ये वाई एक्सिस पे भी अब स्क्यू होना शुरू हो गया। यहाँ से आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं, रोटेट, स्क्यू, स्केल वगैरह। तो सबसे पहले इसको रोटेट करके देखते हैं। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। ये रोटेशन पॉइंट है, अंडू किया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कोना हमारा रोटेशन पॉइंट है।
और इसी तरह आप स्केलिंग भी कर सकते हैं। अंडू किया और इसको भी इसी तरह ही कर सकते हैं हम इसको। ये देखें स्क्रीनिंग हो रही है बड़ी मज़े से, लेकिन हमें पढ़ना था रिफ्लेक्ट के बारे में। जी हाँ रिफ्लेक्ट, ये देखें रिफ्लेक्ट हो गया, ये वर्ड लिखा हुआ था ये टोटली टोटली उल्टा हो गया, ये पी अब यहाँ पे और एन इस तरफ है। दोबारा क्लिक करते हैं, ये 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़ हमारे पास। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी निकालने के काम आती है रिफ्लेक्शन, जब आपको ट्रांसपेरेंसी निकालनी होता। थोड़ी सी तवज्जो 3D रोटेशन की तरफ, ये राइट वे जो लिखा हुआ है इसी को 3D रोटेट करते हैं। अब सही है, ये 3D रोटेशन का ये आइकन है, इस पर क्लिक करके किसी भी चीज़ को पकड़िए आप उसको 3D रोटेट कर सकते हैं। जैसे कैसे ये अब देखें 3D रोटेशन हो रही है, आपको महसूस होगी ये 3D रोटेट थोड़ा सा रोटेट हो गया। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं मूव टूल की मदद से, सॉरी रोटेट टूल की मदद से। नहीं पहले सही था, अंडू किया। अब ये पेंसिल लिखा हुआ है इसे भी थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, 3D रोटेट भी करते हैं और दूसरा रोटेट भी करेंगे इसे। ये शिफ्ट की होल्ड करके आप आसानी के साथ इसे रोटेट कर सकते हैं 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब जरूरत पड़ेगी 3D रोटेट की, ये अंदर की जाने भी रोटेट हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि पेंसिल के ऊपर लिखा हुआ है ये। हाँ अब सही है, थोड़ा पीछे, ये सही है। लाइन में सबसे पहले देखेंगे कि सेंटर लाइन क्या है, यानी कि तमाम चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। एक दो बॉक्स बनाए और एक सर्कल भी बना दिया, एक और सर्कल भी बना देते हैं। इन तमाम को सेलेक्ट कर लिया और इन सब का सेंटर पॉइंट एक ही हो जाएगा सेंटर अलाइन करने से। ये देखें सेंटर में कर दिया, वर्टिकल भी सेंटर में और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में अप्लाई किया। अब ये सब का सेंटर पॉइंट एक ही हो गया है, जैसा कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, दोनों चीज़ों को सेलेक्ट किया और दोनों को सेंटर लाइन कर दिया। ये देखें ये दोनों सेंटर में आ गए, ये सेंटर पॉइंट है दोनों का और ये इन चारों का सेंटर पॉइंट है। अब अलाइन टॉप करना है, यानी कि जिन चीज़ों को हम अलाइन करेंगे वो टॉप पे अलाइन हो जाएंगी, जैसे इन सबको हम टॉप अलाइन करते हैं, वर्टिकल नो चेंज हॉरिजॉन्टल टॉप अलाइन, ये कंडीशन अप्लाई किया। ये देखिए सबका टॉप बराबर हो गया, क्योंकि हमने वर्टिकल को नहीं चढ़ा, हॉरिजॉन्टल टॉप अलाइन किया हमने। अब जिस चीज़ को हम पहले क्लिक करते हैं दूसरी चीज़ उसके हिसाब से अलाइन होती है। ये नीचे वाले को अगर हम लॉक कर दें तो ऊपर वाला बॉक्स खुद बहुत नीचे आएगा, क्योंकि नीचे वाला लॉक था, ये हमारा लॉक था, इसे अनलॉक किया। अब इसे लॉक कर देते हैं, ये तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अब बाकी तमाम चीज़ें नीचे आ जाएंगी, इसके टॉप के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि वो तो लॉक है। अब राइट अलाइन भी सेम मेथड है जैसे हमने टॉप किया था, अब राइट अलाइन कर लीजिए। राइट भी किया,
नो चेंज, ओरिजेंटल नो चेंज, वर्टिकल राइट अलाइन। अभी हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर अलाइन देखेंगे क्या है, ये टॉप राइट हो गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये चारों डब्बे इस कोने भी आ गए, देखें टॉप लेफ्ट दोनों का, इसका भी और इस लाइन का भी, ये भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अलाइन हो गए। अभी टॉप सेंटर, यानी कि टॉप का जो सेंटर होगा वहां पे चीजें आके अलाइन होंगी। ये देखिए टॉप सेंटर में वो पोजीशन नजर आ रही है, अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, ये सेंटर लाइन हो गया। दोबारा करके देखते हैं, जी हाँ वाकई हो रहा है, उसे लॉक कर दिया। और अब देखते हैं क्या होता है, दोबारा भी वही है जो पहले हो रहा था, बस सारे कितने के जो बड़े वाला बॉक्स है वो अपनी जगह से नहीं हिला, जैसा टॉप सेंटर वैसे ही लेफ्ट सेंटर भी होगा। लेकिन एक एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पर जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें। यानी कि ये इसके सेंटर में आ जाएगा, ये दोनों का ये सेंटर है लेफ्ट सेंटर, इसे लॉक कर दिया। अब ये बड़ा वाला छोटे के पास जाएगा, क्योंकि छोटे वाला बॉक्स ऑलरेडी लॉक है, वो तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, मजबूरी है बड़े को ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जिसके हिसाब से इसको अलाइन किया जाए, हम पेज के हिसाब से अलाइन करते हैं, अलाइन टू पेज, सेंटर में आ गया, ये पेज के सेंटर में आया, राइट टॉप, ये पेज के राइट टॉप पर चला गया। लेफ्ट टॉप करके देखते हैं, ये लेफ्ट टॉप पे गया, इनके अब ये पेज के हिसाब से अलाइन हो रहा है। किसी भी चीज़ को अलाइन करने के लिए दो से ज़्यादा चीज, एक से ज़्यादा चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप पेज अलाइन नहीं करते, पेज अलाइन अकेला भी हो जाता है जैसे आपके सामने हो रहा है, तो सभी लाइन का टॉप बराबर कर देते हैं। कुछ लाइनें छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, देखिए बाकी दो लाइनें बड़ी हैं, ये थोड़ी सी बड़ी हैं, बराबर कर देते हैं। इसे लॉक किया, इसकी रिसाइजिंग जैसे कि यहाँ पे सब सेलेक्ट किया, तो जब हमने इसको अलाइन किया तो ये छोटा हो गया, इसको भी वाइट एरो से लेकर आप सेलेक्ट कर लें, इसकी रिसाइजिंग होगी। बस इन तमाम को ये देखिए सबकी सिलेक्शन, इनको सेंटर लाइन किया, एक डॉट बन गया, क्योंकि हमने सिलेक्शन बहुत गलत तरीके से की थी। इस तरह सिलेक्शन किया करें, यह सही लाइन हुआ है। एक बॉक्स, दो बॉक्स बनाए, इसे अनग्रुप कर लेते हैं, अनग्रुप किया, छोटे को लॉक कर दिया, वाइट एरो लेके इसके ऊपर वाले दो कॉर्नर सेलेक्ट किए, देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले कॉर्नर में सिलेक्शन में फ़र्क है। अलाइन टॉप, ये देखें दोनों का टॉप अलाइन हो गया,